कोरोना संक्रमण के मामले वर्तमान में बढ़ रहे हैं और इसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग के स्तर से भी और सभी संबंधित विभागों द्वारा भी। हम लोग बार बार ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि लोग को अब सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है और इसके लिए मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश और जो वल्नरेबल ग्रुप है उनको सुरक्षित रखना ये बहुत आवश्यक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है अब कि मास्क पहनने को अब अनिवार्य किया जाएगा। और निर्णय ये लिया गया है कि 50 रुपये का फाइन इम्पोज़ किया जाएगा मास्क नहीं पहनने पे। परंतु मास्क पहनने के कल्चर को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए 2 मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए जाएंगे साथ में। ये थोड़ा समझने की बात है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो मास्क दिए जा रहे हैं इसका फ़ाइन से कोई लेना देना नहीं है, फ़ाइन अलग है, पर मास्क पहनना प्रोत्साहित हों लोग उसके लिए उनको 2 मास्क मुफ्त में भी दिए जाएंगे। ये एक निर्णय लिया गया है। पर हम लोग फिर आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि लोगों को लगातार आप लोग भी सतर्क करिए कि जो भी सलाह इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की जाती है उसका लोग अनुपालन करें। इसके अतिरिक्त जो रोजगार सृजन की स्थिति है, वर्तमान में जो स्कीम्स लॉकडाउन के बाद ली गई हैं 4,78,000 से ज़्यादा स्कीम्स ली जा चुकी हैं और इनके अंतर्गत अभी तक 9,48,00,000 से अधिक मानव दिवसों का भी सृजन किया जा चुका है। और लगातार विभिन्न संबंधित विभाग इसके बारे में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इच्छुक लोगों को इच्छुक श्रमिकों को रोजगार लगातार उपलब्ध कराया जाता रहे। एक जो अन्य महत्वपूर्ण विषय है राशन कार्ड का, तो राशन कार्ड अभी तक 23,32,855 राशन कार्ड जनरेट किए जा चुके हैं और इसमें से 7,89,756 राशन कार्ड वितरित भी किए जा चुके हैं और वितरण में अब गति आई है। और जितने राशन कार्ड अभी राशन कार्ड विहीन परिवारों के लिए जनरेट किए गए हैं उसका लगभग 34% वितरण हो चुका है।